मुख्य डायरेक्टर आर बाल्की की फिल्म अब 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। ये फिल्म पहले पद्मावत के साथ क्लैश कर रही थी। खैर, बॉक्स ऑफिस पर भंसाली की पद्मावत रिलीज हो गई है। लेकिन हाल ही में एक बातचीत में पैडमैन के डायरेक्टर आर बाल्की ने कहा कि जब संजय लीला भंसाली फिल्म की टीम से रिलीज की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध करने आए थे तो वो काफी विचलित और परेशान थे। बाल्की ने पद्मावत को लेकर कहा कि हम कम से कम एक ऐसी परियोजना के लिए ये तो कर सकते हैं जिसने इतना कुछ सहा है। गणतंत्र दिवस के स्लॉट की आवश्यकता पद्मावत को हमसे ज्यादा है। हमें 2 हफ्ते आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब भी जाए हमारे पास एक अच्छी फिल्म है। इतना ही नहीं, बाल्की ने आगे ये भी कहा, पद्मावत के भाग्य में अकेले जाना लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि ये लंबे समय तक चले। मैं इसकी शानदार सफलता की कामना करता हूँ। तो देखा आपने, बाल्की भी चाहते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए। खैर, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि पद्मावत लोगों को कितनी पसंद आती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।